अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के अवसर पर उपस्थित राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री तेंजिंग नोरबू जी, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री तुमके बागरा जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, देवी और सज्जनों, अरुणाचल प्रदेश की छठी विधानसभा के इस 14वें विशेष सत्र में आपके बीच उपस्थित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस निमंत्रण के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अरुणाचल प्रदेश की ये मेरी पहली यात्रा है। विधानसभा के इस नए भवन को अरुणाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित करने से मेरी यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। यह विधानसभा की बिल्डिंग सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना एक भव्य भवन ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र का जीवंत मंदिर है। यह उन लोगों के सपनों और अभिलाषाओं का जीता जागता प्रमाण है जिनका आप सब लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। योर असेंबली बिल्डिंग इज ए मैग्निफिसेंट एंड स्पेशियस मॉन्यूमेंट। टुडे योर स्ट्रेंथ इज 60 मेंबर्स, बट यू हैव ए विजन फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। आई हैव सीन अदर असेंबली हाउसेस आल्सो, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट, बट आई डिड नॉट फाइंड इन पार्लियामेंट सो मच स्पेस, दैट इज द सिटिंग स्पेस विच आई सी फ्रॉम माई ओन आईज इन योर असेंबली। आई वुड लाइक टू से दैट when I talk about the vision while constructing this building, even if your number increases, say 120, that is if it is doubled in the next 100 years, even then I think this entire space will be available by redesigning the seating arrangement that can be adjusted. And my all best wishes to you. एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जितनी ये भवन आपका द सो मच स्पेसियस, आई थिंक यू विल हैव टू बी स्पेसियस इन योर हार्ट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ योर पीपल। होप यू भारत के संविधान ने भारत गणराज्य को राज्यों का संघ घोषित करते हुए इसे एक संघीय ढांचा प्रदान किया है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बना और विधानसभा को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। इस विधानसभा के सभी पुराने और वर्तमान सदस्यों ने इसे जन सेवा की संस्था बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यदि इफ वी लुक एट अवर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी फाइंड स्टार्ट यहां से होता है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान की प्रस्तावना इन्हीं शब्दों से शुरू होती है। हमें ये याद रखना होगा कि प्रदेशवासियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उनकी सेवा हेतु ही आप सब इस विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। विधानसभा सदस्यों के रूप में आपको राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार है। इनमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन, भूमि नीतियां, बिजली, दिव्यांगों और बेरोजगारों को राहत आदि विषय शामिल है।
इन विषयों पर प्रभावी कानून बनाने का सीधा संबंध लोगों और उनके जीवन के कल्याण से है। विधानसभा के सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की तथा एक विधायक के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे आशा है कि ये शपथ आपका अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु सदैव मार्गदर्शन करती रहेगी। चुने जाने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वी आर नो इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी व्हेन वी आर नॉमिनेटेड टू कंटेस्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन बट आफ्टर द इलेक्शन व्हेन वी आर इलेक्टेड वी बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। चुने जाने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से समाधान करें। मैं आप सबका एक अन्य विषय की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संसदीय लोकतंत्र में सभी निर्णय चर्चा के माध्यम से लिए जाने की परंपरा है। इसी प्रकार से विधानसभा में भी हमें डिबेट के पश्चात डिसीजन की प्रक्रिया अपनाते रहना चाहिए। हम कभी कभी डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन डिसरप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। हम सभी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविधता से भरपूर इस देश के नागरिक हैं। भारत में अलग अलग किस्म के खान पान, पहनावे, रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं पाई जाती हैं। यह अनेकता हमारी ताकत है और हमें एक बनाती है, चाहे तिरुपति हो या तरनेतार या तवांग का बौद्ध मठ हो। ये सब हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश अनेकता में एकता में निहित हमारे राष्ट्र की मूल परंपरा को खूबसूरती से व्यक्त करता है। राज्य में सैकड़ों जनजातियां हैं जो आपस में मिलजुल कर रहती हैं। सभी जनजातियों ने अपनी उन विशिष्ट परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखा है। ये हम सबके लिए एक आदर्श है। मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों की इन समृद्ध परंपराओं का हृदय से सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी सदस्यगण इन युगों पुरानी परंपराओं को सुरक्षित, संरक्षित और सहेज कर रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक साधनों से भरपूर है। प्राकृतिक ऑर्गेनिक कृषि और अपनी विविध बागवानी पैदावार के कारण राज्य सच्चे मायनों में भारत का फलों का टोकरा बन सकता है। अपने मनमोहक सौंदर्य के कारण इस राज्य में भारत का पर्यटन केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यता, अध्यात्म और रोमांचकारी पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। पूरा देश अरुणाचल वासियों की उपलब्धियों पर गर्व करता है। इस राज्य के अनेक व्यक्ति सभी भारतीयों के लिए आदर्श हैं। इनमें से एक हैं स्वर्गीय हवलदार हंगप्पन दादा। इस वर्ष के शुरू में अशोक चक्र से सम्मानित हवलदार हंगप्पन दादा तिराप जिले के बोरदुरिया गांव के थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका यह बलिदान देश प्रेम की एक अद्वितीय मिसाल है। और भी कई अरुणाचलवासी अलग अलग क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केंद्र सरकार के प्रभावी कदमों से अरुणाचल प्रदेश के विकास की गति में तेजी आई है।
ईटानगर का शताब्दी जैसी ट्रेन से जुड़ना, सैकड़ों किलोमीटर के ट्रांस अरुणाचल हाईवे का निर्माण तथा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स द्वारा जनता से सीधा संपर्क साधने की योजना इस राज्य की प्रगति को दर्शाती है। केंद्र सरकार की नीतियों द्वारा सुदूरवर्ती शहरों में छोटे एयरपोर्ट बनाकर इन्हें हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है। मुझे विश्वास है कि इस योजना के तहत पूर्वोत्तर में हवाई यातायात के साधन बढ़ेंगे और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी इसका भारी लाभ मिलेगा। सीमावर्ती राज्य होने के कारण अरुणाचल प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मुझे आशा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान और सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संपर्क बढ़ाने का प्रमुख सूत्र बनेगा। आज सुबह मैंने उत्साह से भरा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जिसमें विवेकानंद केंद्र विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। बच्चों की आंखों में आशा और लाखों सपने दिखाई देते। शिक्षा के दीपक से ही उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि विधानसभा में कई बार आपने शिक्षा के मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया है और इस विषय में कई प्रस्ताव भी पारित किए हैं। मुझे विश्वास है कि अरुणाचल के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा का दीपक पहुंचे, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप हर संभव प्रयास करते रहेंगे। आप सब इस राज्य के विधान निर्माता हैं, दैट इज यू आर द लॉ मेकर्स ऑफ योर स्टेट, और आप सब मिलजुल कर अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों और सभी प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।